दोस्तों बहुत से लोग क्या है कि शर्ट काटने में गलती करते हैं, इसलिए उसकी शर्ट है ना वो गलत कट जाती है। मैंने भी कई ऐसी वीडियो देखी है, उसने कई शर्टों की कटिंग है ना वो गलत बता रखी है। तो मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा कि बिल्कुल अच्छी तरीके से शर्ट आएगी, तो इसकी मैं कटिंग करके बताऊंगा। आप वीडियो को पूरा देखना तभी आपको समझ में आएगा, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। और इसके बाद में आपको कहीं शर्ट कटिंग की वीडियो देखने की कहीं पर भी जरूरत नहीं होगी। तो दोस्तों ये है ना शर्ट, मैं जिसका सीमा 26 इंची से लेके और 37 इंची तक की फार्मूला के लिए काम में आएगा। दोस्तों ये फार्मूला आप लगाएंगे तो जिसका सीना 26 हो और 26 से लेके 36 तक का ये ही फार्मूला काम आएगा। आप आजमा कर देख लेना, बिल्कुल अच्छी तरह से परफेक्ट आएगा, न ढीली आएगी सर, न लूज आएगी और न फिटिंग आएगी, एकदम मीडियम साइज की बताऊंगा मैं आपको। और आप वीडियो को पूरा देखना और जरूर देखना दोस्तों। तो मैं आपको बताता हूँ कि किस प्रकार से काटना है। तो मैं इसकी सबसे पहले इसकी नाप बता देता हूँ, नाप कितनी है इसकी नाप दोस्तों, इसकी लंबाई है शर्ट की 25 लंबाई है इसकी, और इसका सीना है वो 30 इंची है, और इसका तीरा है वो 16 इंची है, और इसकी आस्तीन की लंबाई 22 है, और इसका कॉलर है वो 13.5 की है, और दोस्तों कप है ना वो 8 इंची का है। तो किस नाप से हम यहाँ पर कटिंग करेंगे, कटिंग करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले इसको इस प्रकार से हमने ये 2.25 मीटर कपड़ा ले रखा है, और इसको इस तरह से ये है ना इसको इस तरह से बिछा लेना, ये किनार साइड खुली साइड है दोस्तों, इसको इस तरह से बिछा लेना है, और बिछा लेने के बाद में इसको इस तरह से सीधा कर लेना है, इस तरह से इसको सीधा कर लेना है सेवे फंटी की सहायता से, इसको इस तरह से सेवे फंटी को रख के तिरछा नहीं रखना है दोस्तों, इसको इस तरह से सीधा रखना है। सीधा रखने के बाद में यहाँ से इसको ऐसे चौक से सीधा मार्का कर देना है। तो अब बात आती है लंबाई की दोस्तों, तो लंबाई इसकी 25 है ना, तो यहाँ पर आप 1 इंची एक्स्ट्रा रखिए, यहाँ से 1 इंची एक्स्ट्रा रखिए और 26 पर निशान लगा देना, इस तरह से इसकी लंबाई 25 है तो 26 पर इस प्रकार से सीधा मार्कर लगा दे, इस तरह से इसको सेवन इसकी सहायता से ऐसे सीधा कर दे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे कि ये किनार साइड है ना, इसको 0.5 इंची इस तरह से हम इसको एक्स्ट्रा काट देते हैं, तो यहाँ से हम 2 इंची का फैशन पट्टी के लिए यहाँ पर मार्का लगा लेते हैं, इस तरह से सीधा मार्का लगा लेते हैं दोस्तों। इस तरह से हमने चौके निशान लगाने के बाद में यहाँ से इसको इस तरह से सीधा काट लेना है, इस तरह से इसको सीधा निशान लगा लेना है, और सीधा निशान लगाने के बाद में हमें यहाँ से 1.5 इंची कंधी नीचे गिरानी है दोस्तों। 28 सीने से लेके और 36 सीने तक आप 1.5 इंची गिरा लेना, इसमें कोई शिकायत या कोई परेशानी नहीं आएगी। 1.5 इंची गिरा के इसके अंदर से इसका तीरा है ना वो 16 है, तो यहाँ पर 16 का आधा 8 करके और यहाँ पर 3 सूत एक्स्ट्रा दबाव के लिए रख लेना, ठीक है दोस्तों। और इसका सीना 30 है ना, तो इसका छोटा हिस्सा 7.5 हुआ, जितनी लंबाई होती है उसमें से 7.5 है ना, ये 7.5 का निशान लगा के और इसमें 0.5 इंची कम कर लेना, 0.5 इंची कम कर लेना, ये 7 इंची का यहाँ पर निशान लगा लेना, इस तरह से 7 इंची का निशान लगा लेना दोस्तों। इस तरह से यहाँ पर ये आर्म होल की लंबाई हो गई 7 इंची और इसका सीना है ना वो 30 है। और अब इसके बाद में क्या करेंगे, ये सीना 30 है ना, तो इसका चौथा हिस्सा करेंगे तो यहाँ पर 7.5 रखेंगे, और 7.5 रखने के बाद में यहाँ से हम 2.25 रखेंगे, यहाँ से 2.25 रखेंगे। 2.25 रखने से क्या फायदा होगा कि ये कांख है ना उसके अंदर सुकड़ेगी नहीं और ये फिटिंग नहीं आएगी, बिल्कुल नॉर्मल अच्छे से फिटिंग आएगी, कोई परेशानी नहीं होगी, पहनने वाला ऐसा नहीं कहेगा कि मेरी लूज हो गई या टाइट हो गई, ठीक है दोस्तों। तो इसमें हम 2.25 की बढ़ाव देते हैं, और नीचे से भी हमने ये इसका मार्का है ना 10 है ना, तो इसको नीचे से भी 10 कर देना दोस्तों, इस तरह से 10 कर देना, और ये कम सेप वाली फंटी होती है ना उसकी सहायता से यहाँ पर इसको सीधा कर देना। और दोस्तों मैं इसका पेट का निशान बताने के लिए, पेट कहाँ का निशान आएगा तो मैं उसको भी बताता हूँ। जितनी ये लेंथ है ना और ये आर्म होल है, एक 19 आ गया, ये इसका हाफ कर लेना दोस्तों, इस तरह से हाफ करके और इसमें से 2 इंची ऊपर, इस तरह से 2 इंची ऊपर ये पेट का निशान आ गया, ये पेट का निशान आ गया, यह है पेट का निशान, यह है पेट का निशान, और यह हमने 10 काटा ना, तो ये हमको 9.5 काटना है। देखो दोस्तों वैसे ही हमारी सेव फंटी 0.5 इंच कम लेती है, तो हम यहाँ पर नापते ही नहीं है, कभी भी नहीं नापते। तो इस प्रकार से आप पेट का निशान लगा के और 0.5 इंच कम कर लेना, और नीचे से ये चाइना शर्ट है दोस्तों, तो चाइना शर्ट के लिए हमें 1.5 इंच ऊपर रख के और यहाँ हाफ से ये आ रहा ना, इसके हाफ से इस तरह से इसकी गोड़ाई दे देनी, अच्छे से गोड़ाई दे देनी है। और उसके बाद में दोस्तों ये तीरा ना इसको इस तरह से यहाँ पर थोड़ा सा अंदर देके दो सूट दिखा के और इस तरह से इसको सीधा कर लेना है, और इसको ऐसे राउंड दे देना है, इस तरह से राउंड, राउंड कितना देना है यहाँ से लगभग 0.5 इंच राउंड देना है, इससे ज्यादा राउंड नहीं देना है दोस्तों, इस तरह से इसको राउंड देना है। अब बात आती है इसकी कॉलर की, तो दोस्तों इसका कॉलर है ना वो 13.5 है, तो 13.5 में 5 का भाग दिया तो 5 दूनी 10, तो हम लगभग यहाँ पर 2.25 रख लेते हैं,
सवा दो रख लेते हैं, कम आएगा तो हम बाद में इसको छांट लेंगे बनाती टाइम में, इसको इस तरह से इसको गोड़ाई देनी है। मैं आपको बता देता हूँ किस तरह। यहाँ पर हमने सवा दो पर सीधा मार्का लगा लिया और यहाँ पर हमने सीधा मार्का लगा लिया और यहाँ से हमने डेढ़ इंची कंधी गिराई है ना, वहां से इस तरह से इसको ऐसे सीधा कर लेना है और सीधा करने के बाद में हल्की सी गोड़ाई देनी, ज्यादा गोड़ाई नहीं देनी है, कॉलर बिल्कुल अच्छे से बैठेगी। इस तरह से आप गोड़ाई दिया करो और इसको यहाँ कंधे से डेढ़ इंची को यहाँ पर डाउन कर दें। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसको काटता हूँ और इसके बाद में मैं बैक काटना भी बताऊंगा कि बैक किस तरह से काटना होता है इसको। दोस्तों थोड़ा तिरछा काटना होगा इस तरह से, यहाँ से इस तरह से इसको तिरछा काटना होगा। तो इसको मैं काट लेता हूँ, अच्छे से काटना दोस्तों, इस तरह से काटना दोस्तों। मैं इसके बाद में बैक बताऊंगा कि बैक में कितना डाउन करना पड़ता है। दोस्तों ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि बैक काटने में ही गलती कर देते हैं, तो किसी की लूज हो जाती है, किसी की फिटिंग हो जाती है और इस प्रकार से ग्राहक है ना वो नाराज हो जाता है। तो दोस्तों इसके बाद में आपका ग्राहक कभी नाराज नहीं होगा, मैं आपको दवा के साथ कह रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से इसको काट लिया दोस्तों, वीडियो पर बने रखना। इस तरह से यहाँ पर कुटके लगा लेना है, यहाँ पर इस तरह से इसके कुटके लगा के और ये एक्स्ट्रा किनार है इसको हटा देते हैं। इस तरह से इसको, ये आधा इंची हमने ली थी इसको हम हटा देते हैं, इस तरह से इसको हटा देते हैं और इसको हम साइड में रख लेते हैं। और साइड में रखने के बाद में ये कपड़ा बचा हुआ ना इसको इस तरह से यहाँ पर आगे कर लेना है, इस तरह से आगे कर लेना है अच्छे से, इस तरह से। ये खुला मुंह इधर है और बंद मुंह इधर है। इसके बाद में इसको यहाँ से इस तरह से इसको बिछा लेना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि बिछाना कितना है दोस्तों। ये आ रहा है ना, तो इससे ये नीचे की साइड में एक इंची कम करना है दोस्तों, ऐसे एक इंची कम करना है, इस तरह से एक इंची कम करके। और ये सीधा मारका यहाँ से, ये हमने कंधी डाउन की थी ना डेढ़ इंची, यहाँ से इसको सीधा कर देना यहाँ पर। और इसका तीरा है ना वो 16 है, तो 16 के लिए हम 16 का आधा करेंगे तो 8 आएगा और इसके अंदर 3 सूत एक्स्ट्रा रखेंगे। इस तरह से 8.25 पर निशान लगा लेंगे, इस तरह से 8.25 पर निशान लगा लेंगे और इसको इस प्रकार से सीधा करेंगे। सीधा कितना करना है हमको, यहाँ से लगभग 1.25 इंची रखना है, यहाँ पर हमको 1.25 इंची रखना है और इसको इस तरह से सीधा करना है, इस तरह से 1.25 इंची रख के और यहाँ पर इस तरह से इसको गोड़ाई दे देंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब ये बैक कट गई है। तो आप कभी भी शर्ट काटें तो यहाँ तो आगे 1.25 बढ़ाओ दे देना, ठीक है आगे में, और इस बैक के अंदर से यहाँ पर 1 इंची कम कर लेना, बिल्कुल परफेक्ट आएगी। और आपको मैं ये काट देता हूँ और इसके बाद में मैं आपको आठ दिन के बाद में तीरा काटना बताऊंगा। ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि तीरे में ही गलती करते हैं दोस्तों, यदि तीरा गलत कट गया ना तो शर्ट भी गलती हो गई दोस्तों। तो ध्यान रखें कि इसका तीरा कितना काटना है, कितना छड़ाना है, उसके बारे में मैं आपको इसके बाद में, पहले मैं आस्तीन बताऊंगा और उसके बाद में तीरा बताऊंगा। तो दोस्तों अब इसको हम यहाँ पर बीच में से कुटका लगा लेते हैं यहाँ पर और इसको हम साइड में रख देते हैं। और अब हम इसमें इस बचे हुए कपड़े में आस्तीन निकालेंगे। तो दोस्तों मैंने कई वीडियो देखी है, उसमें कोई आस्तीन में कैसे बता रखा है, कोई कैसे बता रखा है। तो क्या होता है कि जब हम शर्ट बनाते हैं ना तो छड़ाने में परेशानी आती है, कोई ज्यादा हो जाता है, कोई कम हो जाता है। इसके लिए एक सीधा सा फार्मूला ये है, इसको इस तरह से बिछा लेना है डबल में, इस तरह से बिछा के यहाँ पर इस तरह से इसको तिरछा मोड़ लेना है, इस तरह से तिरछा मोड़ लेना। और अब बताता हूँ मैं ये कितना काटना है। इसमें क्या है कि यहाँ पर लगभग 3 इंच कम कर लेना आप किसी भी शर्ट में, यानी कि 28, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 तक में 3 इंच गिर लेना आप यहाँ से। और जितना हमें यहाँ से वो घेरा था ना आर्म होल, कितना घेरा था हमने यहाँ पर 7 इंच घेरा था, तो 7 इंच पर इस प्रकार से निशान लगा लेना। और निशान लगाने के बाद में इस तरह से इसको एडजस्ट कर लेना, इस तरह से एडजस्ट कर लेना, ठीक है दोस्तों। और यहाँ से देखें तो यहाँ पर लगभग हमारा सीना होता है ना उसका चौथा हिस्सा यहाँ लगता है, तो यहाँ पर 7.5 लगा सकते हैं और यहाँ 3 इंच आगे इस तरह से निशान लगा के। और हमारी जितनी लेंथ है ना आस्तीन की, हमारी आस्तीन की लेंथ 22 है, तो यहाँ पर 3 सूत इधर जाएगा सिलाई में, 3 सूत इधर जाएगा, तो हम लगभग यहाँ से 1 इंच कम कर लेते हैं। तो हमारी आस्तीन की लंबाई 22 है तो हम 21 कर लेते हैं यहाँ पर। और इसके दोस्तों हम 2.25 पिकअप लगाएंगे, तो यहाँ पर 2.25 पिकअप लगाने के लिए ये 22 है ना, ये 22 है और एक 23 कर लेते हैं और इसमें से 2.25 इंची कम कर लेते हैं, इस तरह से 2.25 इंची कम कर लेते हैं। तो ये 20.5 पर आ गया है, 20.5 पर आ गया है इसका। तो पर फिर इसके बाद में हम यहाँ से इसको ऐसे सीधा कर लेते हैं, सीधा नहीं करना है इसको, ऐसे 2 इंची टेपर करना है दोस्तों, इस तरह से 2 इंची लगभग टेपर करना है। इससे क्या होता है ये सीधा आ जाता है, इस तरह से इसको टेपर कर लेना है। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि जितनी लंबाई है ना आस्तीन की लंबाई 22 है,
तो 22 है तो उसमें एक इंची प्लस करना पड़ेगा, एक इंची प्लस इसमें करना पड़ेगा कि आधा इंची दबाव इधर जाएगा आधा इंची इधर जाएगा, तो 23 हो गई 8 दिन की। तो 23 में से हमने सवा दो पर वो कप लगाएंगे, सवा दो के कप लगाएंगे, आप ढाई के भी लगा सकते हैं, सवा दो के लगाएंगे तो सवा दो कम कर लेना और ढाई के लगाते हैं तो ढाई इंच कम कर लेना। तो हम यहाँ पर 23 पर इस प्रकार से निशान लगा देते हैं, इस तरह से 23 पर निशान लगा के और इसमें से सवा दो कम या ढाई जितना भी करना चाहते हो वो आप कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर सवा दो के लगाएंगे, तो इस तरह से आप सवा दो के कम पर निशान लगा के और सीधा मार्का लगा देना। और अब इसकी बात आती है कप की, कप कितना काटना है, तो कप काटने के लिए दोस्तों जिसका जितना सीना होता है ना उसका चौथा हिस्सा का बराबर लगता है, यानी कि इसका सीना 30 है ना तो लगभग इसके 7.5 के आएंगे, 7.5 के आप नहीं लगाएं तो थोड़ा ड्यूज रखने के लिए 8 इंची के परफेक्ट आएगा, 8 इंची की में कोई परेशानी नहीं होगी। तो 8 इंची के आप इसके कप लगा लेना, तो 8 इंची कप लगाने के लिए यहाँ से 4 इंची डबल आ गया और यहाँ पर आधा इंची सिलाई के नीचे आएगा और हम यहाँ पर डोर डालने के लिए यहाँ पर आधा इंची भी आ रही है। इस प्रकार से यहाँ पर 5.5 का रख लेते हैं और इसको यहाँ से ये सेफ है ना, इसको हल किसी सेफ दे देते हैं जहाँ काफी थोड़ी फिटिंग मिल रही यूज नहीं रही, इस तरह से इसकी लगा लेते हैं और इसकी इस तरह से गोड़ाई देनी है, इस तरह से इसकी गोड़ाई देनी है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि इस गोड़ाई को ही खराब कर देते हैं, वो क्या है कि सही नहीं बैठती है। गोड़ाई देने के लिए क्या करना होगा कि लगभग देखो आपको मैं बता देता हूँ, ये लगभग 2 इंची के ऊपर से इस प्रकार से मार्का लगा लेना और फिर घुमाव देना है, 2 इंची के बाद में फिर ऐसे घुमाव देना है, इस तरह से घुमाव देना है। और अब हम इसको काट लेते हैं, इसके बाद में इसका तीरा कटिंग बताऊंगा कि तीरा किस प्रकार से कटता है। इस तरह से इसको काट लेना और यहां पर लगभग 1.25 इंची से गड़ाव देना होता है, लगभग यहां से 1.25 इंची पर दोस्तों गड़ाव देना होता है, यहां पर 1.25 इंची का गड़ाव देना होता है। गड़ाव किस तरह से देना है आप वीडियो देखें, इस तरह से देखो किस प्रकार से आपको देना है, ठीक है। और अब हम यहाँ चौक पट्टी पर निशान लगाते हैं, चौक पट्टी निशान हम बेक में लगाते हैं, तो बेक में लगाने के लिए इस तरह से ये कपड़ा है ना तो इसको इस तरह से मोड़ लेना है और लगभग 1 इंची यहाँ पर 1 इंची इस तरह से मोड़ लेना है और यहाँ पर अच्छे से नाखून लगा लेना है, इस तरह से नाखून लगा लेना है, आपको दिखा देता हूँ ऐसे नाखून लगा लेना। नाखून लगाने के बाद में दोस्तों आपको मैं ऐसे दिखा देता हूँ, ये है ना ज्यादा घुमाव वाली, ये ज्यादा बेक हमने जो काटा था ना ये तो आएगा आगे और ये जाएगा पीछे, तो पीछे की साइड में हमें यहाँ पर ये हमें नाखून लगाया है ना वो 5 इंची की चौक पट्टी बनेगी, इस तरह से यहाँ पर 5 इंची का निशान लगा के। और आपको वैसे पता नहीं होगा कि 5 इंची कितनी होती है क्योंकि कैंची में भी ये 5 इंची आती है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है ना ये यहाँ से ये लगभग 5 इंची का होल आता है, तो यहाँ पर आप बिना निशान के बाद में भी आप इस तरह से यहाँ पर इस होल तक इस तरह से 5 इंची तक काट सकते हैं और इस तरह हल्का सा इधर कट लगा देते हैं। तो दोस्तों अब इसके बाद में मैं आपको तीरा बताता हूँ कि तीरा किस तरह से काटना है। तीरा काटने का एक सिंपल सा फार्मूला मैं आपको गुरु मंत्र बताता हूँ कि किस तरह से काटना है। ये है ना कपड़ा, ये डबल बिछा रखा है हमने, ये डबल कपड़ा बिछा रखा है, तो इसको इस तरह से मोड़ लेना है, इस तरह से इसको मोड़ लेना है। अब मोड़ना कितना है कि जितना हमारे ये तीरा है ना उसे 1 इंची एक्स्ट्रा मोड़ लेना, कि इसका तीरा है ना 16 के आना, तो यहाँ पर 8.5 मोड़ लेना, इस तरह से यहाँ पर 8.5 मोड़ लेना है, इस तरह से, ठीक है। और हमने यहाँ पर 1.5 इंची कंधी गिराई थी तो यहाँ पर 3 इंची तो रखना, इधर 3 इंची तो रखना ही है यहाँ से, और 3 इंची यहाँ पर निशान लगाना है इस तरह से, और इसको सॉरी दोस्तों यहाँ पर 3.5 का लगाना है, यहाँ से 3.5 का निशान इधर लगाना है और 3.5 का निशान इधर लगाना है, इस तरह से इसको सीधा कर देना है, ठीक है, आ रही होगी बात। 3.5 इधर लगाना है, 3.5 इधर लगाना है। अब क्या करना है, इसके बाद में 1.5 इंची ऊपर निशान लगाना है और इस तरह से हमने इसका कॉलर है ना तो 13 की थी तो हमने 2.25 रखा था, तो 2.25 यहाँ पर रखे और इसको ऐसे सीधा लगा लेना, इस तरह से इसको सीधा कर लेना। सीधा करने के बाद में दोस्तों इस तरह से इसको हर चीज की गोड़ाई देनी है, इस तरह से सीधी गोड़ाई देने के बाद में हमने ये इसकी लंबाई है ना आस्तीन की वो 16 थी तो 16 का आधा हुआ 8 इंची और इसमें 3 सूत एक्स्ट्रा रखेंगे, हम 8.5 ही रख लेते हैं, बाद में इसकी थोड़ी सी कटाई करेंगे, तो इस तरह से इसको थोड़ा सा 3 सूत एक्स्ट्रा ही रख लेते हैं और यहाँ पर 5 इंची ऐसे नाप के और 1.5 इंची ऐसे इसको गिरा देना है। दोस्तों हमने 1.5 इंची कंधी गिराई थी तो इसको भी 1.5 इंची पर इस तरह से रख के और इस तरह से इसको सीधा करना है और सीधा करने के बाद में यहाँ से इसको काट लेना है, इस तरह से इसको गोड़ाई से बिल्कुल अच्छे से काट लेना है इस तरह से, और इसको ये कंधी है ना इसको भी इस तरह से काट लेना है इस तरह से, और ये बीच में से इस तरह से इसको कुटका लगा लेना है और इसको
ऐसे सीधा करके दोस्तों, और इसको यहाँ से अलग कर देना। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी, और यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो आकर पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।